ओके सो हेलो एवरीवन एंड टुडेस टॉपिक इज सिक्योरिटी प्रोफाइल। सो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिक्योरिटी प्रोफाइल पढ़ेंगे, ठीक है? एक मिनट, बस पानी पीता था। मैं डायरेक्ट ऑफिस से आया हूँ और तुरंत लैपटॉप खोल के बैठ गया। मैं आज लेट नहीं करना है वरना फिर प्रमोद गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं साफ बता रहा हूँ। देखो आप लोग जनवरी में ज्वाइन किया होगा, आप लोगों ने देख ही लिया सर का बिहेवियर कैसा है ऑल थ्रू। दूसरे जो मुझे दूसरे ट्रेनर्स को मैं कंपेयर नहीं नहीं करूंगा मैं, बट अब देखो आप 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट ऐसा आपने एक बार भी, आपको ऐसा लगा है बीच में कि सर 4 महीने हो चुके थे कोर्स भगा रहे हैं? मैं मुझे ऐसा कुछ नहीं सर, एकदम फ्रेंकली चालू है अपना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एकदम आराम से, अभी अब 5-6 क्लासेस और होनी है, अब उनको भगा के क्या फायदा। आराम आराम से करेंगे, हाँ आराम आराम से बराबर। चीजें सीखेंगे, ठीक है? 60-70% आपका फायरवॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। अब जो टॉपिक्स आएंगे ना वो सारे एकदम मेन टॉपिक है, मतलब कि 60% अच्छा कंप्लीट हो गया ना फायरवॉल। तो अब जो, जैसे अब आज का टॉपिक है सिक्योरिटी प्रोफाइल, इससे पहले पढ़ा था हमने पॉलिसीज, ठीक है, SD-WAN पढ़ लिया, गया ठीक है, ये हो गया, HA हो गया, VPN हो गया, मतलब ये सारे कोर टॉपिक्स कहा जाता है, फायरवॉल के कोर टॉपिक्स कहलाए जाते हैं। पॉलिसी बनाना, सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाना। सो लास्ट क्लास में पॉलिसी और SD-WAN तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था, पॉलिसीज मालूम चल गई थी। सो आज हम क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल। सो व्हाट इज सिक्योरिटी प्रोफाइल्स? बेसिकली सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है क्या, ये हम लोग बात कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स का। सो बेसिकली फायरवॉल में अभी तक आपने पॉलिसी बना के ट्रैफिक म्यूट कर लो, आपके पीछे से शोर आ रहा है। अब जब कुछ का डाउट हो तो आप पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि हम लोग अभी इससे पहले क्या कर रहे थे फायरवॉल में, कि पॉलिसी बना रहे थे, ट्रैफिक अलाउ कर रहे थे। सॉरी आई एम रियली सॉरी। हाँ तो अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स बना रहे, पॉलिसीज बना रहे थे। पॉलिसी बनाने पे हम ट्रैफिक को भी अलाउ कर रहे थे, इनसाइड से आउटसाइड कैसे ट्रैफिक जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपका आउटसाइड से इनसाइड ट्रैफिक आता है। अंदर से जो बाहर जाता है उसको हम कहते हैं ईग्रेस, ठीक है, और जो अंदर बाहर से अंदर आता है उसको इंग्रेस, ठीक है। ये दोबारा से एक बार याद दिलवा दिया मैंने, ठीक है। फायरवॉल में ट्रैफिक इस, उसके बाद हमने यहाँ पे SD-WAN बनाया, ठीक है, कि SD-WAN हमारा कैसे लोड बैलेंस करता है। इसके सबसे ज्यादा की पॉइंट से याद क्या करने वाले हैं, कि अगर SD-WAN में वैन इंटरफेस ऐड कर रहे हो, WAN 1 या WAN 2, तो दोनों इंटरफेस एकदम फ्री होने चाहिए, किसी भी पॉलिसी में अप्लाई नहीं हो रहे हो, किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई नहीं हो रहे हो, सिक्योरिटी प्रोफाइल और सिक्योरिटी पॉलिसीज में। तो ये सब चीजें हमने देखी। उसके अलावा हमने IP कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, मैक मैक बाइंडिंग देख लिया, DHCP देख लिया। चलो ये सब चीज तो देख लिया, बट चलो नॉर्मल है, ये सारी चीजें देख ली, बट फायरवॉल का जो हम लोग एक जो स्टैंडर्ड कहते हैं, एक जो हम स्टैंडर्ड कहते हैं फायरवॉल को, कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, अलाउ डिनाई, आपको क्या, देखो बाय डिफॉल्ट सारा ट्रैफिक 40 गेट पे अलाउ रहता है, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, SBI, मतलब आपके कुछ भी, कुछ ऐसे साइट्स हो गए, ठीक है, कुछ आपके शॉपिंग साइट्स, मतलब सब कुछ अलाउ रहता है, बट इंडस्ट्री में ये सारी चीज आपके ऑफिस में नहीं चल रही है। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं बेसिकली सिक्योरिटी प्रोफाइल, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रोफाइल बेसिकली ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, और एक सिक्योरिटी प्रोफाइल, लेट्स से अगर मैं एक सिक्योरिटी प्रोफाइल प्रोफाइल 1 बनाया, ठीक है, प्रोफाइल 1 मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा कि फेसबुक ब्लॉक हो जाए, facebook.com ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो ये तो मेरी एक प्रोफाइल 1 बन गई। तो इसको मैं एक पॉलिसी के अंदर मैप करूंगा, अभी तक पॉलिसी बना लिया था, पॉलिसी के अंदर इसको मैप करेंगे, तो पॉलिसी के अंदर मैप कर दिया। अब लेट्स से मेरे पास पॉलिसी 1 है, पॉलिसी 2 है। अब सेम प्रोफाइल मुझे पॉलिसी 2 में ऐड करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? यस बिल्कुल आप कर सकते हो, एक सेम सिक्योरिटी प्रोफाइल मल्टीपल पॉलिसीज में यूज हो सकती है, ठीक है, मल्टीपल पॉलिसीज में ये यूज होंगी, अगर इफ यू वांट, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ ली, उसके बाद और क्या क्या है इसके अंदर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में, और कैसे कैसे चीजें हैं। लेट्स से आपका एंटीवायरस प्रोफाइल हो गया, AV प्रोफाइल्स, ठीक है, एंटीवायरस प्रोफाइल्स हो गया, आपका वेब फिल्टर हो गया, ठीक है, वेब फिल्टर्स हो गया, आपका IPS सिग्नेचर्स हो गया, ठीक है,
देयर लॉट्स ऑफ प्रोफाइल्स, ठीक है, आपका एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, और हर प्रोफाइल का, हर सेंसर का एक अपना अलग रोल है. अब ये पुराने टाइम में क्या होता था, लेगेसी फायरवॉल्स में जो हम यूटीएम यूटीएम बात करते हैं, तो इन सब के ना डेडिकेटेड एक बॉक्स आते थे हार्डवेयर, जो कि स्विच से ऐसे इस तरीके से कुछ लगते थे, कुछ यहाँ लगाया, एक वेब फिल्टर यहाँ लगा दिया, एक आईपीएस यहाँ पे लगा दिया. तो जब ट्रैफिक आता था तो पहले यहाँ जाता था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तब जाके यूजर पे आता था. बट अब ये सारे फीचर, ये सारे सेंसर्स, इनको कहा जाता है सिक्योरिटी सेंसर्स, कहते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के अंदर सेंसर्स. तो ये सारे सेंसर्स अब एक सिंगल बॉक्स में है. कैन यू इमेजिन, एक सिंगल बॉक्स में अब सारा काम हो रहा है. तो ऑब्वियस ये बात है, जब एक ही जगह पे सारा कुछ है, तो इसका जो लेटेंसी, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट क्लास में बात की थी कि अल्ट्रा लो लेटेंसी, अल्ट्रा लो लेटेंसी, वो इसीलिए है, ठीक है, दैट इज द रीजन कि अल्ट्रा लो लेटेंसी है, ठीक है. अब वन बाय वन चीजें देखते हैं कि कैसे होता है. अब जनरली मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लैब, जो जो चीज हम करेंगे, प्रोफाइल बनेगी कैसे, ठीक है, ये सारा कुछ हम एक लाइव फायरवॉल पे देखेंगे. इससे आप ये भी देख लोगे कि लाइव फायरवॉल पे क्या है बेसिकली. इसके लिए भी हमने, इस एक्टिविटी के लिए भी हमने सबसे पहले डाउन टाइम लिया है, ठीक है, डाउन टाइम ले रखा है. कितने से कितने बजे का डाउन टाइम है मेरे पास, 9 to 3 बजे तक, 6 आवर्स ले रखा है. कि कोई ऐसी प्रोफाइल मैंने लगा दी जिससे पता चला कुछ ब्लॉक हो गया, कुछ हो गया, तो मैंने मैक्सिमम 6 आवर्स रखा है. ऑलमोस्ट तो बंद, मतलब लाइक ऑफिस तो अभी वर्किंग है नहीं उनका, कोई भी यूजर कनेक्टेड नहीं है इस टाइम, मैंने कंफर्म कर लिया. बट 9 to 3 के बीच में मैं एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, ठीक है. अब सेकेंड चीज, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि आपको कहीं डिस्क्लोज नहीं करना है प्रमोद कि मैंने लाइव फायरवॉल पे आपको दिखाया था, ठीक है. रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग आई विल मैनेज. रिकॉर्डिंग कोई मेरे ग्रुप में आप रिकॉर्डिंग एक आप देखते हो क्लास खत्म होने के बाद, एक मैं, मुझे जब कोई भी लगता है कि हाँ कहीं रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो मैं देखता हूँ, उसके अलावा कोई नहीं देखता है, ठीक है. सो नाउ वन बाय वन चीजें हम स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट विद द नोट पैड. स्क्रीन दिख ही रही है आप लोगों को, ठीक है. फायरवॉल मेरा लॉगिन रहना चाहिए, डैशबोर्ड है ये, 50E फायरवॉल है ये, बहुत प्यारा फायरवॉल है, छोटा सा, ठीक है. सो यहाँ पे पहले आपकी फाइल सेव कर देता हूँ. पालो ऑल्टो की क्लास भी आज ही कर दी इन्होंने. नोट्स बना लेते हैं, एक नोट्स के नाम से. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज सिक्योरिटी प्रोफाइल्स. सो स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कि एक्चुअली सिक्योरिटी प्रोफाइल का आपका 48 में काम क्या है, ठीक है. हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, बट व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रोफाइल. सो बेसिकली इन 48 यूनिट, और यू कैन से डिवाइस, कुछ भी कह लो, यूनिट, द सिक्योरिटी प्रोफाइल इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द व्हाट ट्रैफिक इज अलाउड द डिवाइस, अलाउड थ्रू द डिवाइस, ठीक है. सो ये पूरा कंट्रोल होगा ट्रैफिक के ऊपर कि आपको किस ट्रैफिक को अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है. लेट्स से मैं चाहता हूं कि मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में आउटलुक कोई भी ना चला सके, नो वन एक्सेस, नो वन एनी वन भी एक्सेस आउटलुक मेल, ठीक है. तो वो सारी चीजें आपके बेसिकली यहीं से ही अलाउ और ब्लॉक होंगे, ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट, सिक्योरिटी प्रोफाइल कैन बी यूज बाय मोर देन वन सिक्योरिटी पॉलिसी. वही मैंने बात बताया जो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर एक प्रोफाइल बना रहे हैं, प्रोफाइल वन के नाम से, जैसे ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल हमने बनाया कि प्रोफाइल
P1 के नाम से। तो अगर एक से ज्यादा पॉलिसी, ऑब्वियसली होता है हर फायरवॉल में एक से ज्यादा पॉलिसी रहती है, कुछ इनसाइड टू आउटसाइड रहती है, कुछ का कुछ आपके वीपीएन के लिए होता है, कुछ आपके बाहर के ट्रैफिक को अंदर अलाउ करने के लिए होता है, कुछ अंदर से बाहर के ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। तो एक प्रोफाइल मल्टीपल पॉलिसीज पे, लेट्स से पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2 है, इन दोनों पे आप मैप कर सकते हो। सो इट इज पॉसिबल। नाउ विद द फर्स्ट ऑप्शन, पहला सेंसर देखते हैं क्या है। तो पहला जो है आपका एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटी वायरस प्रोफाइल। तो बेसिकली अब ये एंटीवायरस आपका करता क्या है, फायरवॉल के अंदर करता क्या है? और क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि सर आप सिस्टम में भी एंटीवायरस हम डालते हैं, वो थर्ड पार्टी एंटीवायरस जो हम डालते हैं, फिर उसका क्या यूज हुआ? तो जैसे कि आपका ट्रोजन, मलवेयर, वायरसेस, वॉर्म्स, एक एक्सटर्नल डिवाइस लाइक यूएसबी, आपका पेन ड्राइव, आपका हार्ड ड्राइव, और उसके अलावा कोई एसएसडी हो गई, कोई भी थर्ड पार्टी आप जो एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हो तो उससे आ जाता है। तो ऐसे ही ये सारे वायरसेस नेटवर्क से भी पॉसिबल है ट्रेवल करना आपके सिस्टम में, ठीक है। अब चलो, जो आपके सिस्टम में जो एंटीवायरस है, दैट इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, बट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो आपके फायरवॉल ही है, ठीक है। सो फायरवॉल भी यहाँ पे भी क्या काम करता है, एंटीवायरस प्रोफाइल। सो इट इज यूज्ड टू कैच ऑल द मिलिशियस कोड्स एंड मलवेयर, ठीक है। अब मलवेयर कौन कौन से होते हैं, देखो मिलिशियस कोड्स इज डिफरेंट, बट मलवेयर की भी कैटेगरीज होती है। सो कौन कौन से मलवेयर एक कॉपी करता पकड़ लेता है, ठीक है, लाइक ट्रोजन, ट्रोजन, ठीक है, वायरसेस, आपके वॉर्म्स, आपके एडवेयर, जो एड्स आते हैं, जो एडवेयर साइट जो आती है, आपके स्पाईवेयर की कोई आपके ट्रैफिक को कैप्चर करना चाह रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें वो कवर कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है। अब क्या हुआ कि जब अगर आपने एंटीवायरस प्रोफाइल नहीं लगाया तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ठीक है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ये है कि एज पर द फायरवॉल बिहेवियर, फॉर्टीगेट का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, अगर आपने कुछ नहीं लगा रखा, सिर्फ पॉलिसीज अलाउ कर रखी है, तो ये वायरस, ट्रोजन, वॉर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, ये सारे आपके नेटवर्क में जब हिट होंगे बाहर से, जब ये ट्रैफिक अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके नेटवर्क में अलाउ। सो सिंपल, ये आपका ट्रैफिक अलाउ हो गया, और अब क्या प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम तो उसके बाद स्टार्ट होगी कि चलो एक सिस्टम है, दो सिस्टम है, ऐसे कर करके तीन सिस्टम है। अब लेट से इस सिस्टम के पास एंटीवायरस था, इसने डिफेंड कर लिया, गुड है, ठीक है, बट बाकी सिस्टम्स के पास तो नहीं है, क्योंकि अब ये तो नेटवर्क पे आ चुके हैं आपका वायरस। अब ये तो जहां तक ये नेटवर्क रीचेबल होगा, जिस सिस्टम, जिस डिवाइस, जिस वाईफाई, जिस प्रिंटर तक रीचेबल होगा, या वहां वहां ये वायरस जाएगा। और अगर लेट से PC3 ने बचा लिया, डिफेंड कर लिया, तो अब PC1 का क्या पता नहीं कर पाए, PC2 का क्या पता नहीं कर पाए। और ये वायरसेस, वॉर्म्स और एडवेयर्स इतने खतरनाक होते हैं कि ये आपके पूरे डेटा का इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेते हैं, डेटा पूरा कॉपी कर लेते हैं अपने किसी मिलिशियस सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपका एंटीवायरस कैप्चर करता है, कैप्चर करता है, इन द मीन आप इसको ब्लॉक करता है आपका एंटीवायरस। अब क्या होता है, तीसरा पॉइंट, सो द एवी फिल्टर वर्क्स बाय इंस्पेक्टिंग दी ट्रैफिक टू बी थ्रू फॉर्टीगेट। तो सारा ट्रैफिक जो अभी हम इंस्पेक्शन पढ़ रहे थे ना, क्या इंस्पेक्शन होते हैं, प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन, फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन, ठीक है, दो तरीके के इंस्पेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका उसी के अंदर आ जाता है कि अब सारा सार जितना भी फिल्टर ये काम करेगा, ये आपका फॉर्टीगेट के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है। सो इट इज फोर्थ पॉइंट, इट इज चेक्ड फॉर द एट्रीब्यूट्स और
signatures that have been known to be associate with malware, ठीक है, and if malware detect it is remove. बताता हूँ इसका पॉइंट, इसका आंसर बता रहा हूँ क्या है इसका मतलब, ठीक है. और एक पॉइंट और लिख लो कि ये आपका इसके अंदर दो इम्प्लिसिट प्रोफाइल बन के आती है एंटीवायरस के अंदर. सो इट इंक्लूड्स टू प्रीलोडेड एवी प्रोफाइल्स, ठीक है. नाउ क्या मतलब है पहले पॉइंट का. सो लेट्स से क्या हुआ कि एक मेल आता है आपके पास, ठीक है, दिस इज योर फायरवॉल, ठीक है. एक यहाँ पे कोई यूजर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई सम इंटरनेट और ये कोई सर्वर है, कोई सा भी सर्वर है. इस सर्वर से आपके पास एक मेल आया, एक मेल आ रहा है, ठीक है. इस मेल के अंदर क्या है, कुछ इस तरीके से एक पूरा बॉक्स है जिसमें लिख रखा है डियर प्रमोद, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, ये सारी चीजें लिख रखी है. और नीचे एक अटैचमेंट है, एक फाइल के अटैचमेंट है, लेट्स से पीडीएफ है, पीडीएफ है, ठीक है. अब क्या हुआ कि पीडीएफ जो है ये तो काम की पीडीएफ है, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ यूआरएल दे रखे है, ठीक है, तो वो इन्फेक्टेड यूआरएल है, एज पर दी फॉर्टिगेट वो इन्फेक्टेड यूआरएल है. तो क्या मेरा फॉर्टिगेट पूरे मेल को ही डिस्कार्ड कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा. वो फॉर्टिगेट क्या करेगा, इस पूरे ट्रैफिक को जब यहाँ पे ये पूरा जंक, पूरा जंक में आता है ट्रैफिक, ठीक है, जंक ऑफ ट्रैफिक में कहते हैं सेगमेंट्स, ठीक है. तो इसमें जब ट्रैफिक, ये पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगा, जब इंस्पेक्शन होगा तो ये पूरे मेल को इंस्पेक्शन किया जाएगा, इस पूरे मेल को इंस्पेक्शन किया जाएगा. और यहाँ पे फॉर्टिगेट ने फाउंड किया कि यहाँ जो ये समझ लो यहाँ पे एक्स वाई जी करके जो यू आर एल है ये इन्फेक्टेड है, बाकी पीडीएफ सही है, आपका मेल ठीक है. तो वो क्या करेगा, ये इन्फेक्टेड यू आर एल को अपने पास यहीं पे रोक लेगा, बोलेगा यू स्टॉप हियर, यू स्टॉप, ये यहीं पे रोक लेगा. अब बाकी मेल को जो वैलिड मेल है उसको ये आगे अलाउ कर देगा. अब व्हाट इन केस ऑफ की चलो यहाँ पे डियर प्रमोद ये सारी चीजें सही लिखी, बट जो आपका ये पीडीएफ है ये इन्फेक्टेड है, तो कैसे मालूम चलेगा. सो बेसिकली इसके लिए क्या होता है कि लेट्स से पीडीएफ है या फिर कोई वर्ड फाइल आ रही है. अब लेट्स से वर्ड है, वर्ड के अंदर कोई मिलिशियस वर्ड फाइल है जिसके अंदर कुछ कोड वर्ड लिख रखा है, कि जैसे आप उस वर्ड फाइल को खोलोगे आपका सिस्टम पूरा ये वाला क्रैश हो जाएगा. फॉर्टिगेट उसको कैसे बचाएगा, सो यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर्टिगेट में एक और फीचर है जिसको हम कहते हैं CDR, कंटेंट डिसआर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन, कंटेंट डिसआर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन. सो बेसिकली ये जो आपका यूज होता है, ये यूज होता है आपका प्रॉक्सी मोड में, क्योंकि दिस इज द लेवल वन जहां पे आपका होता क्या है कि जैसे आपका पीडीएफ या कुछ भी आया, पीडीएफ आया, वर्ड फाइल, ठीक है, बेसिकली डेटा, जेपीजी आ गया, कुछ भी आ गया, कोई भी फाइल आ गई, ये इस फाइल को पूरा पहले ओपन करता है, इसको पूरा इंस्पेक्ट करता है, फिर वापस बंद करता है और फिर भेजता है. अगर इस केस में इस बीच में कोई उसको, अच्छा क्या क्या इंस्पेक्ट करता है, लेट्स से अगर कोई हाइपर लिंक जो यू आर एल अगर कुछ आ रखा है, अटैच होकर आ रखा है उस उसके साथ क्या नाम है आपके मेल के साथ, वो एम्बेडेड मीडिया हो गया, JS हो गया, जावास्क्रिप्ट के लिए कोई लिंक लगा रखा है या मैक्रोस लगा रखा है, इन सबको वो डिटेक्ट करता है और बाहर कर देता है. अगर इन्फेक्टेड है तो वहीं रोक देता है, बाकी अटैचमेंट को ये अलाउ कर देता है. नाउ व्हाट इन केस ऑफ कि चलो ये तो इंस्पेक्ट हो गया, आपका सारा कुछ हो गया, बट ये अप्लाई कैसे होगा, तो ये भी आपके एंटीवायरस प्रोफाइल में ही अप्लाई होगा. सो बेसिकली अगर मैं CDR का शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो बेसिकली ये आपका जो, जैसे आप लोग घर से, आप बाहर से आप अंदर आते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप पूरे क्या आपको ही अलाउ नहीं कर रहे, कोरोना है तो मतलब आप बाहर रहो, ऐसा तो नहीं करते. फैमिली फैमिली क्या करती है, आपको पूरा सैनिटाइज करती है,
अनम्यूट कर लो। यहाँ पे फैमिली आपको क्या कर रही है कि पूरा सैनिटाइज, लेट्स से मैं जब घर में आता हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली मुझे पूरा एकदम पूरा वो सैनिटाइजर लेके मारती है, ठीक है। वो अब क्या कर रही है, वही चीज, मतलब मेरी फैमिली मेरा फायरवॉल है, मेरा फायरवॉल क्या कर रहा है, मुझे सैनिटाइजर मार रहा है। आज जो भी मेरे अंदर बैक्टीरिया या फिर जो भी जर्म्स होंगे वो वहां रुक जाएंगे, बाकी जब वो रुक जाएंगे उसके बाद बाकी मैं हूँ अटैचमेंट, मुझे आगे कर दिया जाएगा। डेट मीन्स मैं अलाव हूँ, बट जो मेरे साथ जो बैक्टीरिया जर्म्स आ रहे हैं वो अलाव नहीं है। तो सीडीआर भी आपका यही करता है कि जहां पे आपका अटैचमेंट फोल्डर्स फाइल, जैसे वर्ड फाइल, मीडिया, आपका क्या नाम है, आ, 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 मीडिया के अलावा आपका और क्या होता है, पीडीएफ हो गया आपका, ये कोई एप्लीकेशंस हो गए, तो इन सबको वो अलाउ, उसके अंदर वो इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है कि कोई मिलिशियस तो नहीं है। अगर मिलिशियस हुआ तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका, समझ में आ गया सीडीआर का मतलब। सो फुल फॉर्म सर, इज, कौन से क्राइटेरिया के ऊपर वो डिसाइड करता है कि ये मिले सी सिम? वही अपना वो पैकेट कैप्चरिंग में आपने देखा था, उसी का फंडा यूज करता है कि मैं बताता हूँ होता क्या है। मतलब देखो किस तरीके से वो, चलो वेरी गुड क्वेश्चन क्या आपने पूछा। होता क्या है, लेट्स से कि पीडीएफ है, ये पीडीएफ आ गई, ठीक है, जब ये फायरवॉल में जा रही है तो इसको इंस्पेक्ट कैसे करेगा। सो बेसिकली ये इसके अंदर क्या क्या चीजें देखेगा कि कोई कोई ऐसा, अब लेट्स से इस पीडीएफ के अंदर का यूआरएल लगा के मैंने www.a3.com लिख रखा है, a3.com। अब ये इसको इंस्पेक्ट करेगा कि ये a3 कहीं इनवैलिड तो नहीं है, वैलिड तो नहीं, अगर इनवैलिड है, अगर इसको मलिशियस, क्यों, कैसे मलिशियस लगेगा, क्योंकि इसके अंदर फायरवॉल के अंदर एंटीवायरस के सारे सिग्नेचर्स प्रेजेंट है, सारे सिग्नेचर्स प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो जब सारे सिग्नेचर्स प्री डिफाइंड है तो क्या होगा आपका, वो उस सिग्नेचर से मैच करेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा, देखेगा अरे अरे ये तो यूआरएल इन्फेक्टेड है, एज पर दी क्या नाम है, एज पर दी सिग्नेचर ये तो इन्फेक्टेड है, और ये तो मेरे डेटाबेस में इसको तो एकदम ब्लॉक डिनाई किया गया है कि इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना इस यूआरएल को, तो इसको यूआरएल को बंद कर देगा। अब मैं बताता हूँ होता क्या है, जैसे आप लोग मेल मेल आता है सबके पास, तो मेल के अंदर कुछ यूआरएल्स आते हैं, ये यूआरएल रहते हैं, कुछ ऐसे यूआरएल्स रहते हैं ना प्रेजेंट, क्लिक दिस यूआरएल, क्लिक दिस यूआरएल, क्लिक दिस यूआरएल। आप लोग क्या करते हो, और जनरली सबको ही करता है, ये नहीं कि आप लोग, आप लोग अगर आपको लगता है कि हाँ भाई काम की चीज है, तुरंत तुरंत इस पे डबल क्लिक करते हो, यूआरएल्स पे, बराबर, ये यस आपका किसी आपका जो भी वेब ब्राउजर जो यूज कर रहे हो उसमें ओपन हो जाते हैं यूआरएल्स, यस ये नहीं करना चाहिए। एक वो चीज सुना, टाइनी यूआरएल, आजकल टाइनी यूआरएल बहुत चलते हैं, मींस बताता हूँ किस तरीके के, लेट्स से मुझे टाइनी यूआरएल बनाना है, किसका बनाना है, टाइनी यूआरएल मतलब कि डीकम्प्रोमाइज कर दिया गया, मतलब सॉरी डीकम्प्रोमाइज नहीं, मतलब उसको छोटा कर दिया है, उस यूआरएल को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो मैं एक यहाँ पे यूआरएल को ये सभी खोलता हूँ, ये लो सीबीटी खोल देता हूँ होम पेज से, ये यूआरएल है और इस यूआरएल को मुझे टाइनी यूआरएल बनाना है, ठीक है। सो टाइनी यूआरएल ऑनलाइन बन जाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, ये लो टाइनी यूआरएल भी बन गया। अब इस तरीके के यूआरएल आप लोगों ने बहुत देखा होगा, किस तरीके के, मेक अ टाइनी यूआरएल, कॉपी, ठीक है, इसका एक छोटा सा यूआरएल बना लिया। ऐसे यूआरएल आप लोगों के पास, ये देखो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये तो पहले से छोटा, अब कितना छोटा होगा, अब जैसे ये यूआरएल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर डायरेक्ट डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है, नहीं करना चाहिए। इस यूआरएल पे जब ऐसे आप कर्सर लेके जाओगे मेल के अंदर, तो ये यूआरएल बताएगा कि ये टाइनी यूआरएल डॉट कॉम ही खोलेगा या फिर कुछ और खोलेगा, लिखा रहता है ना कि क्लिक हेयर फॉर अमेजोन साइट, और ये यूआरएल ऐसा रहता है। अब आप लोग क्या करते हो, उस यूआरएल पे क्लिक करते हो और वो अमेजोन की जगह कोई और साइट खोल देता है,
सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिलिशियस अटैक, मलवेयर बराबर। अटैक, हमें उससे बचना होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अब नाउ थोड़ा सा सीडीआर के बारे में लिखो, क्योंकि ये इसी के अंदर फीचर है एंटीवायरस के अंदर। सो कंटेंट डिसआर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन फॉर एवी एंटीवायरस प्रोफाइल। तो सीडीआर, अब देखो जो चीज मैंने लिखा एकदम सेम चीज है, कोई नहीं, म्यूट कर लो। सीडीआर अलाउज टू फॉर्टिगेट टू सैनिटाइज, देखो एकदम मॉडर्न वर्ड लिखा है मैंने, सैनिटाइज 2020 के उसके बाद ही मैंने ये वर्ड यूज किया है, सैनिटाइज द माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा ये करता क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स को सैनिटाइज करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मेल्स के साथ या नॉर्मली आपको डायरेक्ट आ रहे हैं, जनरली जो डॉक्यूमेंट है वो मेल्स के थ्रू ही आते हैं, या फिर कोई FTP या SSH सर्वर से आप लोग रिट्रीव कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, जैसे PDF हो गया डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर कहीं से आप डाउनलोड कर रहे हो, तो वो एंटीवायरस का काम होता है चेक करना। सो रिमूविंग द एक्टिव कंटेंट, उसके ऊपर से क्या क्या मूव किया जाता है, सच एज हाइपरलिंक, एम्बेडेड मीडिया, मीडिया, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज है, डेवलपिंग के लिए यूज होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, बट ये इससे भी आपके मिलिशियस कोड्स जनरेट होते हैं, मैक्रोज एंड एक्सेट्रा। कैसे करता है ये, विदाउट अफेक्टिंग दी फाइल ऑफ इट्स टेक्सुअल कंटेंट, और क्या कर देता है, रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको, टेक्सुअल कंटेंट मीन्स रिकंस्ट्रक्ट कर देता है, रिकंस्ट्रक्शन। इट सपोर्ट कौन कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, HTTP पे सपोर्ट करता है, SMTP का कोई आए, POP3 बेसिकली मेल्स, IMAP, FTP, HTTPS, ऑल थ्रू HTTPS वैसे सिक्योर होता है, बट वहां से भी आपको इन इन प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, इनसे अगर ट्रैफिक आता है तो वो उसको CDR करता ही करता है। ठीक है, सो डबल P कर दो, सपोर्टेड। नाउ इट परफॉर्म्ड ऑन MS ऑफिस डॉक्स एंड PDF फाइल्स और द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन नॉट वर्क ऑन फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मोड, फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मोड में ये काम नहीं करता है। ठीक है, सो अब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट देखते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बहुत इजी है। ठीक है, ये मेरा फायरवॉल है, इसमें मैं लॉग इन कर लेता हूँ अभी। ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट इज वेरी इजी। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि मुझे कुछ कुछ एकदम रॉकेट साइंस करना है। सिंपल, यहाँ पे आपको यहाँ पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, इस सिक्योरिटी प्रोफाइल्स पे क्लिक करो। करते हैं जी, चलो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है एंटीवायरस, एंटीवायरस। ठीक है, और उससे पहले क्लाइंट कह रहा है कि मुझे CDR अप्लाई करना है, तो CDR का ये ऑप्शन है, बस इतना सा है, इसको इनेबल करना है। ठीक है, इसको इनेबल करना है, और अगर कुछ आपको डिटेक्ट होता है तो क्या करे, डिस्कार्ड कर दे और अप्लाई। तो ये तो चलो मैंने क्या कर दिया कि उसी के अंदर कर दिया, बट हमें ऐसे नहीं करना है, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये छोटा सा फायरवॉल है ना, तो मैं भी यहाँ पे एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको अलग से फीचर्स, आपको ये छोटा फायरवॉल है तो मे भी इसमें आपको अलग से वो बनाने नहीं देगा।
अलग से प्रोफाइल बनाने नहीं देगा, बट लेट्स सी फीचर विजिबिलिटी में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। एंड पॉइंट एंटीवायरस आपका इनेबल है, जो फीचर वहां पे नहीं दिख रहे हैं वहां पे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। SD-WAN तो चलो रिक्वायर्ड अभी है नहीं इनको, स्टिल मैंने SD-WAN ऐड कर दिया है। तो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाते हैं, सॉरी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, और यहाँ पे हम जाएंगे फर्मवेयर कौन सा, एक बार रुको फर्मवेयर चेक करूँ क्या इनका। तो फर्मवेयर है इनका 6.0.9, गुड। तो यहाँ पे जाएंगे, अब जनरली यहाँ पे डिफॉल्ट नाम की प्रोफाइल बना रखी है, डिफॉल्ट नाम की। आप चाहते हो तो यहाँ पे एड एड मोर आता है आपको, और आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट है तो आप इसी को, आप नया बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहा है फायरवॉल, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। बाकी एक बार इंस्पेक्शन मोड भी चेक करना है इसका, क्योंकि हमें फिर CDR अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेन में जाएंगे, इंस्पेक्शन मोड आप यहीं से चेक कर सकते हो, नहीं तो आप अगर आप दोबारा से चेक करना चाहते हो तो सेटिंग्स में जा, सिस्टम में जाके सेटिंग्स में जाके सबसे नीचे प्रॉक्सी बेस्ड हम यूज कर रहे हैं, फाइन। ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब नाउ नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोफाइल्स एंटीवायरस, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि कोई भी आगे मेलिशियस ट्रैफिक आए या कुछ आए तो क्या हो जाए, वो मॉनिटर अगर हुआ तो ट्रैफिक क्या होगा आपका, पास हो जाएगा एंड लॉग आपका जनरेट होगा, लॉग आपका जनरेट होगा। बट अगर वायरस डिटेक्ट आपको क्या, अगर कोई वायरस डिटेक्ट होता है आप क्या करो, एज पर द प्रैक्टिस मुझे इसको ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक में क्या होगा कि ब्लॉक भी हो गया और लॉग भी आपका जनरेट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल ब्लॉक, कौन कौन से प्रोटोकॉल को चेक करें, ये सारे प्रोटोकॉल चेक करें, HTTP SMTP ये सारी चीजें। CDR एनेबल करना है जी, कर दिया, ठीक है। क्या चाहते हैं कि जो फाइल आ रही है, जो मिलिशियस फाइल हो उसको कहाँ भेजा जाए, सीधा डिस्कार्ड कर देंगे, हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। नाउ EXE फाइल, जो विंडो एग्जीक्यूटिव, जो अगर ईमेल के अंदर फाइल आती है EXE फाइल, तो उसको आपका फायरवॉल कैसे उसको पहचानेगा, मतलब कैसे उसके साथ ट्रीट करेगा, उसको एज अ वायरस माना जाएगा, क्योंकि EXE कोई भी मेल के थ्रू नहीं भेजता है, ठीक है। EXE अगर कोई भेजता है तो कभी भी याद रखना कि इंस्टॉल या फिर डबल क्लिक उस EXE पे मत करना, पता चला कोड कुछ मिलिशियस एकदम ट्रैव आ रखा है और आपने खोल के कर दिया काम, ठीक है। तो इसको हमने किया अलाउ। 40 सैंडबॉक्सिंग डेटा इंक्लूडिंग मोबाइल मलवेयर प्रोटेक्शन, एकदम मोबाइल के लिए भी जो वायरस आए वो भी यहीं पे रुक जाए, और हमने अप्लाई कर दिया। अब मुझे इसको क्या करना है नेक्स्ट, मेरा क्या काम रहेगा इसमें, मुझे इसको आगे मैप करना है। तो दो प्रोफाइल पढ़ लो फिर आराम से मैप करता, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोफाइल वेब फिल्टर्स, हाँ जी। तो वेब फिल्टर से क्या लग रहा है भाई, जो नाम से लग रहा है कि हाँ भाई यूआरएल, यूआरएल जो होगा उसके ऊपर उसको अलाउ ब्लॉक या फिर पर्टिकुलर किसी पैटर्न को अलाउ करना है ब्लॉक करना है, वो सारी चीजें कर सकते हो। यस यू आर राइट, आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। सो वेब फिल्टर्स रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल द यूजर एक्सेस टू वेब रिसोर्सेस एंड कैन बी अप्लाइड टू फायरवॉल पॉलिसीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ब्लॉक दी वेब पेजेस एंड पैटर्न स्पेसिफाई, ओ सॉरी स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक पैटर्न। और क्या क्या ब्लॉक करता है, ब्लॉक दी यूआरएल्स, अगर आप कोई पर्टिकुलर यूआरएल ब्लॉक करने चाहे, फिल्टर दी वेब ट्रैफिक, फिल्टर दी वेब ट्रैफिक,
इसके अंदर और क्या सब कैटेगरीज क्या रहते हैं? सो द वेब फिल्टर अप्लाइड इन फॉलोइंग ऑर्डर्स, यूआरएल फिल्टर, फोर्टी गार्ड वेब फिल्टर, वेब कंटेंट फिल्टर, स्क्रिप्ट जो आती है स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट के जो अटैक्स होते हैं उससे भी आपको फिल्टर कर सकते हो आप, ये सारी चीज आप कर सकते हो। उसके अलावा एवी स्कैनिंग, एंटीवायरस स्कैनिंग, ठीक है। और ये भी आपका बाय डिफॉल्ट, अब याद रखना कि छोटे फायरवॉल्स में नहीं, बड़े फायरवॉल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके ऑफिस में 1000 है उसमें आप चेक कर सकते हो जाके आराम से कि बाय डिफॉल्ट, नहीं तो किसी और लोकेशन के फायरवॉल में आपको खोल के दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, प्री लोडेड थ्री प्रोफाइल्स, प्री लोडेड तीन प्रोफाइल्स के साथ ये भी आता है, जिसमें पहले का नाम जो रहता है आई थिंक एक तो डिफॉल्ट होता है, एक मॉनिटर ऑल होता है। वो क्या करता है बेसिकली, अगर उस प्रोफाइल को अलाउ करोगे तो मॉनिटर करेगा एंड लॉग आपके सारे उसके यूआरएल्स का जो भी आपके विजिट कर रहे हैं उसका जनरेट करेगा विजिटेड। और ये आपका बेसिकली कहाँ काम आता है, फ्लो बेस्ड के अंदर भी ये काम आता है। और एक आपका नाम आता है वाईफाई डिफॉल्ट। तो जो बड़े फायरवॉल्स होते हैं ठीक है, उसमें तो जनरली क्या होता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि जो प्रोफाइल्स पहले से बनी हुई है उनको हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर इन फ्यूचर हम अगर फंसते हैं किसी प्रोफाइल में या फिर कोई लगता है कि यार ये डिफॉल्ट कैसे प्रोफाइल थी, तो हम क्या करेंगे उसको उसको नहीं छेड़ेंगे, हम नई प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। सो ऑल थ्रू यहाँ पे नई प्रोफाइल दिख नहीं रही है, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो नई प्रोफाइल नया जनरेट होता है यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद। अच्छा ये चीज़ तो हो गया, डिफॉल्ट आपको मैंने बताया लगाना नहीं है, ठीक है, डिफॉल्ट कहीं पे भी नहीं लगाना है और डिफॉल्ट का बिहेवियर भी नहीं चेंज करना है। और जो ये जो तीन प्रोफाइल्स हो गई, ये वाली या फिर आपकी ये दो प्रोफाइल्स जो प्री लोडेड आती है एंटीवायरस प्रोफाइल में, इनको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ओनली आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ पहले अब ये दो प्रोफाइल लगा लेते हैं। सो वेब फिल्टर हमारा हमने बस अप्लाई कर दिया, अब आ जाओ वेब फिल्टर। अब वेब फिल्टर का दूसरा एग्जांपल क्या है, लेट्स से मैं खोल रहा हूँ amazon.com, ठीक है, amazon.com हो गया। अब लेट्स से मैं खोल रहा हूँ क्या खोलूँ, चलो ये खोलूँ। अब ये जो यूआरएल है, इस पर्टिकुलर यूआरएल को अगर मुझे ब्लॉक करना है, इस पर्टिकुलर यूआरएल मतलब ये नहीं कह रहा कि अमेजोन पूरा ब्लॉक हो जाए, पर्टिकुलर यूआरएल को ब्लॉक करना है तो आपको क्या करना होगा, तुरंत इसका क्या करना पड़ेगा आपको, तुरंत के तुरंत आपको ये पर्टिकुलर यूआरएल कॉपी करना है और पेस्ट मारना है। उससे होगा क्या आपका, उससे आपका ये प्रॉब्लम ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा कि आपका अमेजोन डॉट कॉम खुलेगा बट ये यूआरएल पर्टिकुलर नहीं खुलेगा, ठीक है। अरे वाह, एप्पल 69 पे आ चुका है। चलो बाद में देखेंगे, ठीक है। सो वेब फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ वेब फिल्टर में जाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना कैटेगरी वाइज भी ब्लॉकिंग कर सकते हो, कैटेगरी वाइज भी ब्लॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। सो कस्टम, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, आप चाहते हो कि जो एडल्ट एंड मेच्योर कंटेंट्स होते हैं, लेट्स से अब यहाँ पे अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे एडल्ट में कौन कौन सी चीज आ रही है, एडल्ट में सारी चीज आती है आपकी, पोर्नोग्राफी आती है, सेक्स एडुकेशन आता है, सारा कुछ आता है, ठीक है। बट इफ यू वॉन्ट, अब यहाँ पे अगर आप एडल्ट पूरी कैटेगरी को ही ब्लॉक कर दोगे, लेट्स से मैंने पूरी कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया, तो देखो आपका क्या क्या खुलना बंद हो जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं खुलेगा, लाइक एडल्ट मटीरियल, एडल्ट मटीरियल इन द सेंस कि आपका क्या वो जो हमारे जैसे क्लोथ्स आते हैं एडल्ट क्लोथ्स लाइक टी शर्ट जीन्स, आपका ये भी खुलना बंद हो जाएगा। आपको स्पोर्ट्स की चीज़ें खुलनी बंद हो जाएंगी, स्पोर्ट्स हंटिंग के अलावा वेपन्स का हो गया, टबैको हो गया, टबैको लेट्स से गैम्बलिंग, गैम्बलिंग चलो ये सारी चीज़ें तो बंद होती है। अब जैसे ये होती है लिंगरी एंड स्विम सूट्स, ये भी आपका एडल्ट कैटेगरी में आता है, तो ये भी आपका इसकी साइट्स या फिर अमेजोन पे जहाँ पे आप स्विम सूट सर्च करोगे या फिर मिंत्रा पे, तो वो साइट्स नहीं खुलेंगी, ठीक है। बेसिकली आपने क्या कर दिया, ये पूरा एक इसको पूरा एक
सिग्नेचर को ही आपने ब्लॉक कर दिया। तो कभी इस तरीके से ब्लॉकिंग नहीं होती है। ब्लॉकिंग करने का तरीका होता है, लेट्स से कि आपका लोकल कैटेगरी है, आप जो मेरे पास लिस्ट है, एक मिनट लिस्ट में देख लूँ मैं क्या क्या है। ठीक है, सो पोटेंशियली लाइक लीगली और इलीगल चीज, ये सारी ड्रग एंड अब्यूज, ये सारी चीजें आपको क्लाइंट को ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक कर दिया। और एडल्ट में उसको ब्लॉकिंग नहीं, उसको सारी चीजें ब्लॉक नहीं करनी, उसको अलाउ कर दो। ठीक है, बस क्या करना है आपको, अच्छा अलाउ करोगे तो लॉग जनरेट नहीं होंगे, बट क्लाइंट वॉन्ट्स कि लॉग जनरेट हो। तो हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और उसमें उसमें कुछ चीजें उसने बोला है जो कि उसको ब्लॉक करनी है, लाइक पॉर्नोग्राफी हो गई, न्यूडिटी एंड ड्रेसेस, वेपन्स, ये सारी चीजें ब्लॉक हो। ठीक है, और जो बैंडविड्थ कंज्यूमिंग साइट्स है, लाइक फाइल शेयरिंग, ऑनलाइन टीवी, ये सारी चीजें, लाइक स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हो गई, यूट्यूब, यूट्यूब नहीं, ये तो एप्लीकेशंस हो गई, इसके अलावा भी कुछ आती है ना, कुछ ऐसी साइट जो टेलीग्राम इन सब पे आपको दिखती है और ऑनलाइन आप वॉच कर लेते हो, वो सारी साइट्स भी आपकी ब्लॉक हो जाए। जी ब्लॉक कर दिया हमने। इनवैलिड यूआरएल से अगर कोई ट्रैफिक आए तो क्या हो, ब्लॉक हो जाए। ठीक है, यूट्यूब का जो भी एक्सेस हो रिस्ट्रिक्ट रहे, कोई भी ना चला पाए। ठीक है, आपका मेलिशियस यूआरएल अगर आता है कोई, तो वो कहाँ जाए, सैंडबॉक्सिंग में। सैंडबॉक्सिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जहाँ पे आपके सारे फिल्टर, जितना भी ट्रैफिक आता है जो सैंडबॉक्सिंग पे जाता है, उसको पूरे से दोबारा से चेक किया जाता है, और अगर को अगर उसके बिहेवियर, उसको अनवांटेड बिहेवियर लगता है, तो फॉर्टिगेट उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक नहीं, इन द सेंस उसका सिग्नेचर बना के वर्ल्ड वाइड अपने सारे फायरवॉल्स पे वो अपडेट भेजता है कि ये आपका नया सिग्नेचर है। ठीक है, यूआरएल फिल्टरिंग, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कोई यूआरएल अगर ब्लॉक करना है, लेट्स से मैं ये बात कर रहा था कि इस यूआरएल को मुझे ब्लॉक करना है, लेट्स से ये कोई एग्जाम की वेबसाइट है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस पे जो रिसर्च वाली कैटेगरी है ये यूआरएल ब्लॉक हो जाए, तो जस्ट इसको कंट्रोल सी सेलेक्ट किया, यहाँ पे यूआरएल डाला सिंपल, और इसका क्या रखना है, अलाउ ब्लॉक मॉनिटर। अब यहाँ पे जान लो क्या क्या चीजें हैं, अगर फायरवॉल का बिहेवियर ही है अलाउ, डेट मीन्स आपका नो लॉग जेनरेट एंड ट्रैफिक अलाउ, लॉग जेनरेट भी नहीं होगा, ट्रैफिक भी अलाउ हो जाएगा। ब्लॉक में क्या होगा, लॉग जनरेट होगा एंड ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। मॉनिटर में क्या होगा, लॉग जनरेट होगा एंड ट्रैफिक आपका अलाउ हो जाएगा। तो हम कभी भी ये अलाउ वाला एक्सप्रेशन कभी यूज नहीं करते हैं, हमेशा मॉनिटर या फिर ब्लॉक, क्योंकि हमें हर केस में लॉक तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको ब्लॉक किया और यहाँ पे हमने स्टेटस इसका एनेबल कर दिया, और दैट्स इट। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। बाकी अगर कोई वेबसाइट से कि जावा, एक्टिव एक्स या कुकीज आए, कुकीज को रिमूव कर दे, कुकीज से दोबारा सेशन हाईजैकिंग का डर रहता है, रिस्ट्रिक्ट दी गूगल अकाउंट टू अ स्पेसिफिक डोमेन, चलो ये नहीं अभी अप्लाई करो, और अप्लाई। अब दो प्रोफाइल्स बनाइए, ये हम कहाँ पे मैप करेंगे, तो ये मैप करेंगे सिक्योरिटी एंड पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में IPv4 पॉलिसी, और जो हमने बनाया था पॉलिसी जैसे इनसाइड से आउटसाइड, तो यहाँ जाएंगे, डबल क्लिक करो, यहाँ पे सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे अब इसको बस इनेबल करना है आपको एंटीवायरस, क्योंकि अभी आपका यहीं पे डिफॉल्ट है, और वेब फिल्टर, दैट्स इट, और इसको कर दो अप्लाई। वेब फिल्टर सम चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट विद द सिस्टम सेटिंग्स, क्या हो गया, फेल्ड सम चेंजेस वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट विद द सिस्टम सेटिंग्स, एवी वायरस, एवी की प्रोफाइल सही से नहीं बनी है, ये वेब फिल्टर लग गया। चलो वापस जाते हैं, एंटीवायरस प्रोफाइल में जरूर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, सिक्योरिटी प्रोफाइल में जाओ, ब्लॉक 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 ब्लॉक, सैंडबॉक्सिंग, सीडीआर 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 सीडीआर, सैंडबॉक्सिंग, ठीक है, ओके ओके, सैंडबॉक्सिंग है नहीं ना हमारे पास, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है।
ठीक है, और अलाउ। वापस जाते हैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में। अब दूसरे तरीके से भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। किस तरीके से? यहीं पे पेंसिल पे जाओ और एंटीवायरस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लो और अप्लाई कर दो। फेल टू चेंज सम सेट चेंजेस, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वापस आ जाओ, हमने लगता प्रोफाइल में कुछ गलत किया है। लॉक कर दिया, सीडीआर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? चलो सीडीआर से ही प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि मेरे पास इसका एक और लाइसेंस होता है। अच्छा हाँ, लाइसेंस भी तो बताना है। ठीक है, वापस आ जाओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे एवी लगाओ। ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे लग गई। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या जानना है कि ये सारी चीजें आपकी कैसे चलती है, याद रखना। इनके लिए आपको लेना पड़ता है लाइसेंस, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सो लाइसेंस कहाँ दिखेगा? 40 गार्ड में। तो 40 गार्ड में आपको सारे लाइसेंस दिख जाएंगे। ये लाइसेंस, जैसे इनका लाइसेंस है, ये सारा कुछ हार्डवेयर का एनहांसमेंट, एंटीवायरस, ये सारी चीजें इनका लाइसेंस है इनके पास। आईपीएस, एंटीवायरस का लाइसेंस है। ये सारे लाइसेंस आपको परचेज करने होते हैं। सो एक पूरा बंडल आता है, बंडल में ही आपको लेना होता है। नाउ अब कैसे पता चलेगा कि कोई यूआरएल आपके पास, लेट्स से एक लिस्ट आई। लिस्ट क्या आई कि चलो वापस अमेजोन को ले लेते हैं। सपोज प्रमोद के पास ये लिस्ट आई। अब प्रमोद के पास ये, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि नेटवर्क इंजीनियर के पास इस तरीके से लिस्ट आ गई। अब प्रमोद को कैसे मालूम चलेगा कि ये यूआरएल पक्का मिलिशियस है या फिर सिर्फ लिस्ट में दिखाया गया है? तो इसके लिए 40 गार्ड ने क्या बोला है कि हमारे पास सॉल्यूशन है। तो क्या सॉल्यूशन है? 40 गार्ड वेब फिल्टरिंग लिखो यहाँ पे और यहाँ पे पहला लिंक खोल लो। सो बेसिकली इट इज अ डेटाबेस जहां पे आप चेक कर सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर जो यूआरएल है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। 40 गार्ड में वो इन्फेक्टेड दिखा रहा है, 40 गेट के लिए वो दिखा रहा है इन्फेक्टेड या नहीं। सो आपका फर्मवेयर क्या है? 5.6 से ऊपर का ही है, 6.9 है। तो यहाँ पे वो यूआरएल आप पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे सर्च का बटन दबा दो। सो अब देखो कैटेगरी क्या आ रही है। शॉपिंग की साइड है ये। वेबसाइट दैट फीचर्स द ऑनलाइन प्रमोशन एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रॉनिक, फ्लावर, ज्वेलरी एक्सेट्रा। बेसिकली शॉपिंग की साइड है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब लेट्स से और एक दो साइट लेते हैं। टाइम पे मुझे साइट से नहीं आती। चलो ये ले लो, W3 School, सी ट्यूटोरियल्स, लिंक्डइन, Top 10 Viruses, ये सारी साइट्स ले लेते हैं। अब लेट्स से ये सारी ऐसे आपके पास आ गई नोटपैड में, ये फाइल्स पूरी, ये नोटपैड में आपके पास फाइल्स आ गए कि यार ये सबसे ज्यादा एक्सेस किया गया है यूजर से, और इनकी कैटेगरी वाइज देख के इनको ब्लॉक कर दो। ठीक है, इस तरीके की साइट्स आ गई। सो साइट्स आ गई ये सारी, गुड है। ठीक है, अब क्या करना है, ये सीधा यहाँ पे 40 गार्ड का, ये आपका बेसिकली ये ऑनलाइन डेटाबेस है जहाँ पे आप सारे प्रोफाइल चेक कर सकते हो। सो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। लेट्स से मैं ये चेक करता हूँ ये यूआरएल मेरा है, किसकी कैटेगरी में और ये इन्फेक्टेड है या नहीं है। सो वापस यहाँ पे जाएंगे, प्लस स्पेस माइनस, और अब देखो ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली ये इस यूआरएल पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? आईटी से रिलेटेड सर्विसेज, सेलफोन सर्विसेज, केबल इंटरनेट, यस इट इज राइट, एंड क्लिक हेयर इफ दिस कैटेगरी इज ब्लॉक्ड और नॉट। तो फायरवॉल के अंदर ये ब्लॉक नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो ये भी बता देगा कि जो इसका 40 गेट का डेटाबेस है उसके अंदर ये आपको अलाउ दिखाएगा या फिर आपको ब्लॉक दिखाएगा। सो बेसिकली ये ब्लॉक नहीं है, अगर ब्लॉक होता तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे ब्लॉक लिखा आ जाता। सो इट इज अ वेरी गुड फीचर, आप लोगों को 40 गार्ड एकदम यूज करना चाहिए। आप चाहो तो ये लो, मैं आपको यूआरएल दे देता हूँ, आप लोग ये ऑनलाइन, उसमें हम लोग तो प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं, ये प्रोडक्शन में भी हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, याद रखना इस चीज का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 40 गार्ड ये आपका बेसिकली, आप हर जगह इसको यूज कर सकते हो, एंटी स्पैम के लिए यूज कर सकते हो, वेब फिल्टरिंग के लिए यूज कर, सर्विसेज यहाँ पे। अब लेट्स से मुझे आईपीएस, जब पढ़ेंगे आईपीएस बताऊंगा, आईपीएस के लिए चेक करना है, या फिर एंटीवायरस के लिए कि आपको कोई
कोई कुछ डिटेक्ट हुआ तो एंटीवायरस, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ओवरऑल अब इंडिया में क्या 1.8 मिलियन एंटीवायरसेस है, और अभी 1 मिनट पहले ही इसका वर्जन आया है अपडेटेड वन ये, ठीक है। अब यहाँ से अगर कुछ आपको कोई ऐसा एंटीवायरस अनवांटेड दिखता है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब ये क्या रहा है, फाउंड सस्पिशियस फाइल ट्राई ऑनलाइन स्कैनर, ये फीचर भी दे रखा है स्कैनिंग करने के लिए। आप वो फाइल को यहाँ पे डाल सकते हो, लेट से मेरे पास कोई पीडीएफ, ये एसओपीआई, एसओपी नाम की कोई पीडीएफ मेरे पास डिटेक्ट हुई, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, आई एम नॉट अ रोबोट। अगर ये एंटीवायरस हुआ, ये अगर मिलिशियस फाइल हुई तो इसको मिलिशियस दिखाएगा, और मैंने यहाँ पे डाल दिया अपनी ईमेल आईडी। सबमिट पे क्लिक किया, आप देखो क्या आ रहा है, द एसओपी फाइल्स एएसजी पीडीएफ अपीयर्स टू बी क्लीन, ये क्लीन है, इसके अंदर कोई भी सस्पिशियस अटैक नहीं है, ठीक है। ये लो, और कैसे चेक कर सकते हो, इन्फेक्टेड यूआरएल लिस्ट लिख दो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। वेब फिल्टरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई साइट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो, समझ गए। FortiGuard इज अ वेरी गुड फीचर, इसको आप लोगों को यूज करना आना चाहिए, ये ऑनलाइन। बाकी आप लोगों को अगर कोई थ्रेट डिटेक्ट हो गया तो कैसे पता चलेगा कि वो आपका ऑनलाइन आपका है या नहीं है, ये आपको FortiGuard ही वो सारी चीजें बताएगा, ठीक है। तो मैं इसका यूआरएल आप लोग आपको दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग एकदम आराम से स्टडी करना, तो और यहाँ से आप ये बाकी वेबसाइट, अब देखो यहाँ पे कोई वेबसाइट है, बेशक से टेस्ट वेबसाइट है ये मुझे मालूम है, बट मैं इनको डायरेक्ट नहीं खोल रहा हूँ। कैसे कर खोल रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, लिंक एड्रेस को कॉपी करूंगा, पहले यहाँ पे खोलूंगा यूआरएल एनालाइजर डॉट नेट, ठीक है। HTTPS की साइट है, जब अगर HTTPS है तो स्टिल थोड़ा ट्रस्टेबल है, अपोलो ऑल्टो यूआरएल फिल्टरिंग, ये देखो अपोलो ऑल्टो की साइट पे लेकर आ गया है टेस्ट साइट, ये यूआरएल आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पे हर कंप उसका दे रखा है। तो और जैसे यहाँ पे ये, जैसे ये यूआरएल आप, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आप डाल सकते हो ऑनलाइन, बट ये सारे फ्री सोर्सेज है जहाँ से आप चेक कर सकते हो यूआरएल इन्फेक्टेड है या नहीं है, तो ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है, रादर देन आपको आराम से यूज करना है तो FortiGuard ही यूज करो, ठीक है। तो ये तो आपके दो फिल्टर्स हो गए हैं, अब आपके इसके बाद, हाँ एक आपको लाइव फायरवॉल पे दिखाऊं कि वो प्री लोडेड प्रोफाइल्स कौन सी होती है, ये सिक्योरिटी फिल्टर बेसिकली प्रमोद चलता है 2-3 दिन, ये इसका पूरा क्लास चलता है, एक बार में खत्म तो चलो कॉन्फ़िगरेशन एक बार में हो जाएगा, बट उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं तो आराम से भी आराम से कर दूंगा आपके जाने के बाद, बट आपको एक एक चीज करके समझना है कि वेब फिल्टर क्या है, वेब प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें। आपके पासवर्ड चेंज कर दिया क्या, ये थोड़ा इससे बड़ा फायरवॉल है, ये आपका 50E है, ये 61E है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेम सारा कुछ फीचर सेम है, बस मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में जाके एंटीवायरस में अगर जाते हो तो यहाँ पे देखो ये 3 प्रोफाइल्स आती है बाय डिफॉल्ट, क्लाइंट रेपुटेशन, वाईफाई डिफॉल्ट और वाईफाई डिफॉल्ट के नाम से, और सेम आपको वेब फिल्टर्स में आओगे तो वेब फिल्टर में यहाँ पे प्रोफाइल्स दिखेंगी, ये तो मैंने कुछ बना रखी है, 3 प्रोफाइल्स यहाँ पे डिफॉल्ट, वाईफाई एक्सेस, ठीक है, और एक और थी वो शायद, दो ही आ रखी है इसमें शायद, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके तीन दो प्रोफाइल्स इसमें है, मॉनिटर ऑल की एक प्रोफाइल नहीं दिख रही है ना, शायद आई नहीं होगी इसके साथ या रीनेम कर दिया होगा, तो इनको वैसे रीनेम भी नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अगर आपको नई प्रोफाइल बनानी है तो ये देखो यहाँ पे ऐड का बटन है, यहाँ पे ऐड का बटन है, ठीक है, तो ऐड पे क्लिक करो और यहाँ पे आप अपने नाम का बना सकते हो। लेट्स से मैंने ये बना लिया और ओके कर दिया, ठीक है। वैसे ही बहुत गलत किया मैंने, इस नाम से ऐसे कभी भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ऐड के साइड में ही दूसरा बटन है। हमेशा सिस्टमेटिक नाम दे दिया जाता है, ठीक है, ऐसे मेरी तरह नहीं, मैंने तो बस ये बनाया जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब कल हम देखेंगे, कल नहीं जब भी नेक्स्ट क्लास आपकी स्कत कब होगी, आपके थर्सडे, तो आईपीएस देखेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल और डीएलपी, ठीक है। मेन आपके यही पांच फिल्टर्स होते हैं, आराम से देखेंगे एक एक करके, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी चलो ये चीज़ तो हो गया।